ये प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री हैं। परिधान मंत्री भाई साहब, जितना ही ड्रेस बदलते हैं उतना ड्रेस तो मधुबाला ने मुगले आजम के सेट पे भी नहीं बदलाता। 143 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 400 प्लस सीट इंडिया गठबंधन को, यही 2024 का रिजल्ट है। मैंने ही कहा, आदरणीय मोदी जी ने कहा, भारत की सदन में कहा, संविधान की गरिमा को तार तार किया। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 जवानों का कफन बेच रहा था बिहार में, उस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं, मुझे लज्जा आती है ऐसे व्यक्ति का अपने जुबान पे नाम लेने में। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। किस बात से प्रधानमंत्री जी घबराए कि मेरी कुर्सी जाएगी तो मैं मुझे जेल जाना पड़ेगा। और ये लोग जो 400 पार की नारा लगाते हैं बीजेपी वाले, ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, 400 पार 143 सीट बीजेपी की पूरा भारत में, ये दावा के साथ कह रहा हूँ। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार। ऐसा प्रधानमंत्री असमय कहीं न देख, तीनों लोक का 14 भुवन के ढूंढ डालनी, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं पाए जिसके पास जिम्मेवारी नाम का कोई चीज ना हो। अपमान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मैं आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके इनको ऐसे अपमानित किया जाता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो भारत का संविधान का शपथ लेकर के भारत के मर्यादा के साथ तार तार इन्होंने किया है, मर्यादा को गिराया है, मर्यादा की परंपरा को तोड़ा है। इन्होंने बोला राहुल गांधी जी का गठबंधन और अखिलेश का गठबंधन हो गया है, 50 सीटें और बढ़ गई हम लोग की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, अब 450 जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नजरा, आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ राजधानी में और हम आज बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में होना है। आज हम लखनऊ में जनता जनार्दन के बीच में हैं, चर्चा करेंगे कि 2000 लोकसभा चुनाव किस तरह से होगा। आज जहाँ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस भी तय हो चुका है, 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और वहीं 63 सीटों पे समाजवादी अपने कैंडिडेट उतारेगी। हम लखनऊ में मौजूद हूँ, जान लेते हैं कि 2000 लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी उतर रही है और विपक्षी दल किस तरह किस मुद्दे पे उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2024 बड़ा मने अजीबो गरीब चुनाव होने जा रहा है। ये दौर में 2024 के दौर में देश 10 साल से लगभग, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो लोहा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, लाइन का क्षेत्र, रेलवे लाइन का क्षेत्र हो, या कोई भी देश के अंदर जो बड़ा प्रोजेक्ट हो, मुझे लगता है कि 10 साल में ये सरकार ने एक प्रोजेक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन अब तक जो मेरे संज्ञान में है, ये सैकड़ों भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट को केवल 5 लोगों को हैंडओवर कर दिया। अभी कहती है कि मैं 400 प्लस हो गया, तो 400 तो स्ट्रेंथ हो गया, प्लस जो एक्सेस सीट है, जो अधिक सीट है, तो 400 के बाद 143 सीट बचती है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने सही ये कह दिया। क्या मतलब कि 400 विपक्ष का, उससे प्लस जो 143 सीटें जो प्लस जा रही है, और सती ने उनके जुबान पर बैठ करके उनके आंतरिम जो मनसा थी, जो उन्होंने कोट किया है, जो उनके मुखार बिंदु से बुलवाया गया है, 143 सीट, यही भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान भी है और यही भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी है। 143 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 400 प्लस सीट इंडिया गठबंधन को, यही 2024 का रिजल्ट है। मैंने ही कहा, आदरणीय मोदी जी ने कहा, भारत की सदन में कहा, संविधान की गरिमा को तार तार किया और पूरे विधायक को लगा
कि ये भाई प्रधानमंत्री हैं, संविधान का शपथ गीता पर हाथ रख करके ले रहे हैं, तो ये संविधान की गरिमा का रक्षा करेंगे, ये संविधान का मंशा का पालन करेंगे, ये संविधान के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर जहां आम कार्यकर्ता उनके 400 पार नारा देते थे, प्रधानमंत्री जी ने भी इशारा कर दिया, और जैसा भी कह रहे थे कि ऐसा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि सदन में खड़े होकर अपने कार्यकाल के दौरान ये कहें कि हम 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राय साहब ने जो कहा है जी वो सत्य कहा है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री हैं। परिधान मंत्री भाई साहब, जितना ही ड्रेस बदलते हैं उतना ड्रेस तो मधुबाला ने मुगले आजम के सेट पे भी नहीं बतलाता। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये दरअसल क्या है, राजा बाबू हैं। आपको राजा बाबू अगर समझ में नहीं आती है तो गोविंदा की पिक्चर थी एक राजा बाबू, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु काहे कहलाते हैं, किस चीज में कहलाते हैं। जुमलेबाजी, झूठ बोलना, बार बार बोलना। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था। मतलब उनका मकसद नहीं रहा होगा ना, शब्द उनके निकल गए हैं तो गाजा भी करके बोलते हैं क्या? सुमहिया सुमहिया मार लेते हैं, हाई नहीं तो रात वाली दवाई, शब्द थोड़ा इधर उधर हो गया, मतलब उनका अर्थ नहीं रहा होगा कि हम ये बोल रहे हैं। वाह वाह वाह, फिजिशियन बछड़ा किसने बोला था आपको मालूम है? फिजिशियन गाय, फिजिशियन बछड़ा किसने बोला था आपको मालूम है? जर्सी गाय किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? जिस व्यक्ति को, अरे उसके माँ बाप के को तरस आता हो, उनकी आत्मा जहां होगी भटक रही होगी कि हमने कैसा नालायक पुत्र पैदा किया है, संस्कार विहीन। आपको लगता नहीं कि थोड़ा प्रधानमंत्री जी के लिए, मतलब प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं, नाट प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री कफन की राजनीति करता हो, इलेक्शन में पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 जवानों का कफन बेच रहा था बिहार में, उस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं? मुझे लज्जा आती है ऐसे व्यक्ति का अपने जुबान पे नाम लेने में। तो एयर स्ट्राइक भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक हुई है, क्या बात करते हो यार? उस व्यक्ति को भूल गए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में चेंज कर दिया था, अब इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, लोग इतिहास बनाते, इन्होंने तो भूगोल बना दिया, क्या बात आप करते हैं? पूर्वी पाकिस्तान को पैदा कर दिया, क्या बात आप लोग कर रहे हैं? इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो अभी आप जिस तरह से अपनी बात, लेकिन सदन में ही खड़े होकर प्रधानमंत्री जहां अपने 400 पार के कहे, वहीं के हमारे तीसरे टर्म में बड़े बड़े हम फैसले लेने जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या प्रधानमंत्री जी फैसले लेने वाले होंगे? प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। किस बात से प्रधानमंत्री जी घबराए हैं? कि मेरी कुर्सी जाएगी तो मैं जेल जाना पड़ेगा। ऐसा प्रधानमंत्री असमय कहीं न देख, तीनों लोक का 14 भुवन के ढूंढ डालनी, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं पाए जिसके पास जिम्मेवारी नाम का कोई चीज ना हो, तो अस मर जाए। तो प्रधानमंत्री जिम्मेवारी मुक्त है, उनके पास जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेवारी होती तो ऐसे पूरा देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं आपसे बता रहा हूं कि 1952 से लेकर के 2014 के बीच एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जो हाउस में खड़ा होकर यह कहता हो कि मैं सरकार बनाऊंगा। एक प्रधानमंत्री का डाटा संसदीय प्रणाली आप पढ़ करके अवलोकन करके हमको एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ये पहला प्रधानमंत्री है जो भारत का संविधान का शपथ लेकर के भारत के मर्यादा के साथ तार तार इन्होंने किया है, मर्यादा को गिराया है, मर्यादा की परंपरा को तोड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि हाउस में वो जब खड़ा हो तो जरूर अपने चैप्टर को एक बार जरूर देख लें कि मुझे क्या बोलना है, इसलिए कि प्रधानमंत्री के एक एक शब्द की व्याख्या पूरे दुनिया की पार्लियामेंट में होती है। प्रधानमंत्री की एक एक शब्दों की व्याख्या सारे
व्याख्याकार करते हैं दुनिया के, प्रधानमंत्री के एक शब्द की व्याख्या का सारे रिसर्च सेंटर करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मन आक्रम वचन ध्यान जो लावे, जो आपका मन है, जो आपका कर्म है, जो आपका वचन है, कुछ भी कहने से पहले एक बार संविधान के तरफ जरूर घूम करके देख लीजिए और इसके बाद अपने दिल का उद्गार को व्यक्त करिए। जय हिंद। सुदामा जी ऐसे याद आ गए जब चंडीगढ़ वाला रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो इन्होंने सुदामा जी को याद कर लिए। गरीब सुदामा जी चावल की पोटरी, चावल की पोटरी याद आ गई उनको। आदिवासियों ने क्या फैसला होगा इस 24 चुनाव? आदिवासी इनको सबक सिखाएंगे। अब आपको हम बताओ, आप लोग खुश नहीं है दलित राष्ट्रपति बना दे? एकदम नहीं खुश है। हम लोग आदिवासी अपमान कर रहे हैं वहाँ बैठा करके, अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मैं आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके इनको ऐसे अपमानित किया जाता है। थाली दे करके आगे खाना नहीं परोसा जाएगा, इसलिए वहाँ पर खाली थाली के तरह राष्ट्रपति बनाए हैं। तो आपको लगता है कि राष्ट्रपति से बना दिए उनका काम, उनको कोई पावर, उनका कुछ क्या लेंगे? भाई साहब नए सदन में नहीं बुलाए आप, अयोध्या जी नहीं बुलाए, बताए सबसे अधिक तो राम का सेवक आदिवासी थे। सही कह रहे हैं चाचा, सही कह रहे हैं। इनके दिल से पूछिए, आज के समय में सबसे ज्यादा आदिवासियों का कौन ध्यान रखता है? पहले तो कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, मंदिर नहीं बुलाया। इसी तरह का एक नंबर झूठ बोल रहा है। सुनो भैया, अपमान केवल उसका होता है जिसका भैया अपमान होता है। ए भैया हाँ सुनो, सुनिए, सब बराबर है, हर इंसान, सुनिए सुनिए सुनिए, सब बराबर, पूरा देश देख रहा है ना। राष्ट्रपति गए अयोध्या जी, उनको निमंत्रण मिला नहीं मिला? सुनिए, पूरा देश देख रहा था, नए सदन में राष्ट्रपति महोदय गए हमारे भारत के नहीं गए? क्यों? सुनिए भैया, का वो कार्यक्रम? अरे धार्मिक का वो अपन प्रधानमंत्री कैसे गए? प्रधानमंत्री एक मिनट एक मिनट, प्रधानमंत्री संविधान पे है ना, संविधान पद पे गए है ना आप? ये बिना तर्क वाली बात कर रहे हैं, बिना तो राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है तो वो नहीं जा? संवैधानिक पद पे हैं और प्रधानमंत्री प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्राइवेट जॉब को पहले एनालिटिकल तरीके से सीखिए। देखिए पब्लिश, ये आप बिना मतलब ये नहीं है कि आप किसी न्यूज को कहीं भी मरोड़ के पेश, आपका ये जो चैनल है भाई साहब हम बता दें, इतना नोटिसेबल है मीडिया के अंदर, ऐसे ही नहीं हाई रीच आ जाती बड़े बड़े छोटे छोटे चैनलों की, क्योंकि इसके अंदर भी एक नैरेटिव पॉलिटिक्स चल रही है और यही पॉलिटिक्स देश को खा जाएगी, आप देखिएगा। नहीं आपने जो बात किया हम उन्हें उस बात पे आपको बात जवाब दीजिए। देखो दलित महिला आदिवासी का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। एक मिनट जवाब ले लेते हैं फिर आपको, एक मिनट जवाब सुनिए भाई साहब। आप लोग चैनल चलाते हैं, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, अगर आप ईमानदारी से बता दीजिए, आपका संदेश पूरे भारत में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा, आप ये बता दीजिए राष्ट्रपति महोदय जी को नए सदन में बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया। अच्छा अच्छा, राम मंदिर में प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नहीं था इसलिए नहीं। अच्छा प्रोटोकॉल तो नहीं है, G20 में भी राष्ट्रपति को ही बुलाना था। देखिए जो देखिए एक राष्ट्रपति के लिए ऐसे ऐसे लोग, वो सेनाओं के लिए भी सवाल उठ रहा है कि जब राष्ट्रपति इस पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं, तो आज जैसे आपको क्या मतलब इसमें आपत्ति हो रही है? अरे वाह भाई साहब, आपत्ति है नहीं, आपको क्या आपत्ति है? हम समाज के लिए आपत्ति है। आप ये सुनिए, आप एक को खुश करके करोड़ों को मारेंगे, एक को खुश करके करोड़ों को अपमान करेंगे, ये कहाँ का नियत है? ये कहाँ की बात है? ये जानते हैं जी? ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी बोले हम ओबीसी हैं, ये बताइए नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं? वो हिंदू हैं, हिंदू बोल रहे थे कि मैं हिंदू हैं, मोदी जी बोल रहे हैं मैं हिंदू, हिंदुओं में फकीर शब्द कहाँ से आता है इनसे ये बताइए? और ये बता रहे हैं मुस्लिम शब्द में फकीर आता है, मुस्लिम शब्द में फकीर, फकीर मुस्लिमों में आता है फकीर, मुस्लिम सामाजिक शब्द कैसे है? यही आपको धीरेन्द्र शास्त्री जो है
बाबा बागेश्वर धाम के दीन शास्त्री वायरल नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलेगा तो बिल्कुल वायरल। रुक जाइए, हमें वायरल नहीं, कंट्री के अंदर ऐसी चीजें अनएक्सेप्टेबल, उसको कहने दीजिए। हमें वायरल होने की कोई दिक्कत है, वो भी बहुत मुझे, हमें वायरल होने की नहीं कोई हेतु है। आप इनको यह बता दीजिए कि ये जो बोल रहे हैं कि जो फकीर शब्द है बाबा बागेश्वर धाम जी, बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था कि फकीर शब्द कहाँ है, हिंदुओं में फकीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे ये पूछकर हमके जवाब दीजिए आप। लेकिन ये बताइए कि जैसे 24 चुनाव है, यहाँ अलायंस भी हो गया उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस समाजवादी का, तो कैसे देखते हैं भैया? आपके माध्यम से हम बोले थे कल और परसों के दोनों दिन के बीच में कि समाजवादी और कांग्रेस एक साथ आएंगी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिलकर लड़ेंगे। आपको ये अभी बता रहा हूँ, आचार्य संहिता लगेगा ना, तो और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जो भागी हैं सीबीईडीआई के डर से, मायावती जी भी आएंगी इस बार। कितने सीटें जीतो क्या 80 में? कितने सीटें जीतो? इंडिया गठबंधन 75 सीट, इस बार 75 सीट। और ये लोग जो 400 पार की नारा लगाते हैं बीजेपी वाले, ये भी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, 400 पार 143 सीट बीजेपी की, पूरा भारत में दावा के साथ कह रहा हूँ 143 सीटें बीजेपी के, 400 इधर 143 उधर, 400 इधर, 400 इंडिया गठबंधन और एनडीए के खाते में 143 सीटें। ठीक, और एक लोगों से के कुछ बोलना चाहेंगे चाचा? अरे इन्होंने बोला 143 सीट आएगी पूरे भारत में। ये मतलब सब प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि 400 पार, तो 400 मतलब इधर का 143 उधर का, यानी इंडिया गठबंधन का 400। ये सब जो है गांजा पीने के बाद बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं इन लोग, जो है ऐसे ही शब्द बोलते हैं। आप सुन लीजिए, इन्होंने बोला राहुल गांधी जी का गठबंधन और अखिलेश का गठबंधन हो गया है, 50 सीटें और बढ़ गई हम लोग की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, अब 450 जाएगी कैसे यहाँ? अरे राहुल गांधी एक साथ लड़ाएंगे तो कैसे? सुन लो राहुल गांधी जी गठबंधन अखिलेश यादव से किए हैं, अखिलेश यादव जी का बट्टा बैठ जाएगा। जैसे राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं यात्रा के साथ, तो जनसैलाब चल रहा है। वो जनसैलाब नहीं है, पीछे से ये आपने नहीं देखा, आपने दिखाया नहीं, जितने उनके सब थे सब हाथ छोड़ा छोड़ा भाग रहे थे जहाँ जहाँ वो पहुँच रहे थे, वो भी तो आप बताइए। और जो है अभी कल घंटाघर पे हमने देखा, कल मैं वहाँ से सुन लीजिए मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं जाम में फंस गया। अच्छा, जाम में फंस गया, हमें जाना था भैया, हम लेट हो रहे थे। अब हमने देखा लो घंटाघर की तरफ निकल ले भैया, देखा वहीं पे पूरा, देखा हमारे रेल लगाए हुए, लेकिन वहाँ पे कोई फायदा नहीं मुझे दिखा। सब यही कह रहे थे बस पैसे लेके अपना निकलो फटाफट, ये माहौल था वहाँ का। और कांग्रेस को और देंगे, राहुल जी का सैलाब देखने गए थे कि सैलाब राहुल जी के साथ है, ये भी कांग्रेस को ही वोट देंगे और सपा गठबंधन को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को। ये इतना ज्यादा इस चीज में बिल्कुल कांग्रेस हो चुका है, आप कांग्रेस को वोट करेंगे? आपको मैं बता दूं? बता रहे कि आप इसीलिए गए थे। अरे यार ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा मुझे? इनको जो है पहली चीज तो प्रधानमंत्री जी का जो है नाम लेना नहीं सही से आता है, अभी अंडे से बाहर निकले नहीं सही से, अभी उसी अंडे में फंसे हुए हैं, अभी अंडे से बाहर निकले तब ये राजनीति के मामले पे बात करें। बहुत बड़ी बात, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपका चैनल ईमानदार होगा तो बाइट बिल्कुल चलनी चाहिए, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार और वो भी हिंदू जिताएगा, 80 करोड़ हिंदू डंके की चोट पे जिताएगा। मतलब कुल मिला के कहा हिंदू मुसलमान पे ही कहा पहुंच रहे हैं आप लोग? नहीं, आप लोग यही तो नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। आप अभी कह रहे हैं हिंदू जिताएगा, हिंदू जिताएगा, नाम नहीं लिया। मतलब जब देश के संविधान पे प्रधानमंत्री किसी नाम नहीं लिया, नहीं सब, आप जब देश के प्रधानमंत्री संविधान को मानते तो आप इस तरह से बात कैसे करें? इसका मतलब मुझे आप पे शक हो रहा है? नहीं, हमें कैसे शक? मुझे आप पे इसलिए शक हो रहा है, सुन लीजिए जब मैंने बोला नहीं हिंदू मुसलमान, मैंने लड़वाया, आपने क्या कहा कि 80 करोड़ हिंदू प्रधानमंत्री को जिता के? मेरे घर के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, मैं तो बोलूंगा। फिर वही चीजें भी वोट करते हैं। अरे यार कुछ मुस्लिम भी है, वो सब हिंदू ही तो है।
भाई सब हैं तो हिंदू ही ना, हाँ। सब हैं हिंदू, मजहब सिर्फ एक है वो है सनातन।